तो वेलकम दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेके जाएंगे आपको दार्जिलिंग के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस। बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप है पीस पगोड़ा। ये एक ऐसा जगह है जो ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि शांति और सुकून का संदेश भी पहुंचाती है। बिल्ट विद द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड यूनिटी, दिस पगोड़ा स्टैंड्स टॉल एज अ सिंबल ऑफ हार्मोनी अमंग द पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड एंड बिलीव्स। और यहाँ से आपको दार्जिलिंग के स्नो कैप माउंटेन और कंचनजंगा का बहुत ही मेजमराइजिंग व्यू मिलेगा। Moving on to our next destination is Dali Monastery. ये दार्जिलिंग के natural beauty में बसा हुआ एक beautiful monastery है। Inside this monastery, हम लोगों को दिखने को मिलता है rich Buddhist culture and traditions, intricate artwork, colorful paintings and incense के fragrance हम लोगों को एक spiritual journey में लेके जाता है। तो दार्जिलिंग आए और चाय के बगीचे नहीं देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट है हैप्पी वैली टी एस्टेट। ये एक ऐसी जगह है जो हमारे दार्जिलिंग की चाय की कहानी सुनाती है। जब हम टी एस्टेट के अंदर जाते हैं तो सामने खुले हरियाली भरे चाय के बगीचे दिखते हैं। ये चाय प्रेमियों के लिए एक जन्नत से कम नहीं। तो नेक्स्ट अप वी हेड टू द रॉक गार्डन। ये एक ऐसी जगह है जहां पे नेचर और क्रिएटिविटी का मजा हमें एक साथ मिलता है। एज वी एंटर वी आर ग्रीटेड बाय स्टनिंग रॉक फॉर्मेशन दैट हैव इंट्रिकली स्कल्प्टेड एडिंग टू द आर्टिस्टिक टच ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पे बहती हुई पानी का साउंड और कैस्केडिंग वाटरफॉल का व्यू टूरिस्टों को एक अलग ही सूदिंग एम्बियंस प्रोवाइड करता है। अभी आपको ले चलते हैं हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये एक ऐसा पार्क है जहां हमें रेयर वाइल्ड एनिमल्स के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। जैसे ही हम पार्क में एंटर करते हैं, वी आर ग्रीटेड बाय ए डाइवर्स रेंज ऑफ हिमालयन वाइल्ड लाइफ। मैजेस्टिक स्नो लेपर्ड से लेके प्लेफुल रेड पांडा तक यहाँ हर कोने में कुछ नया और दिल को छू जाने वाला मिलता है। तो हम पार्क को एक्सप्लोर करते हैं ऑब्जर्विंग द एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू विटनेस दिस मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स अप क्लोज एंड पर्सनल। Now let's move on to the Rangidveli Passenger Ropeway. अगर दार्जिलिंग में आपको चाय के बगीचों का पैनोरमिक व्यू चाहिए तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। As we ascend in the cable car, the breathtaking views unfold before our eyes.
यहाँ पे रोपवे के नीचे जाके एक जगह पे आपको हॉल्ट भी दिया जाएगा, वहाँ पे आप चाहे तो बेवरेजेस या कुछ खाने का मजा ले सकते हैं। देन यू विल बी बैक टू द टॉप वेयर यू हैव स्टार्टेड। Now let's move on to Tenjin Rock. ये एक ऐसी जगह है जो हमें एडवेंचर और थ्रिल का एक अनोखा कॉम्बो देता है। तो अब बात करते हैं महाकाल टेंपल का। ये एक ऐसा मंदिर है जो हमें अपना आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव के साथ साथ शानदार आर्किटेक्चर का भी दर्शन करवाता है। इंट्रिकेट कार्विंग्स, सेरेन एटमॉस्फेयर और रिलीजियस वाइब्स इस टेंपल को एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बना देता है। जब हम यहां पहुंचते हैं, यहां के डिवाइन ऑरा हमारे दिल को छू जाता है। तो यहां पे हमने प्रेयर किया, ब्लेसिंग्स लिए और इस जगह के स्पिरिचुअल वाइब्स में सोकिन भी किया। पॉजिटिव एनर्जी एंड लोगों की श्रद्धा मिला के यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जो हमारे दिल को छू जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम गए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन। ये एक हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जहां से टॉय ट्रेन की जर्नी शुरू होती है। ये स्टेशन एक नॉस्टैल्जिक चार्म फील कराते हैं जो हमें ले जाती है स्टीम इंजिन्स के टाइम पे। ट्रेन व्हिसल और इंजन का साउंड एक एक्साइटमेंट एंड एंटीसिपेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड स्प्रेड द लव। Keep watching.